The all-new Voot Kids app brings you over 200 plus tunes to watch. रुद्र मंत्र का उचित उच्चारण शाकाल, आप इतने मगन होकर क्या पढ़ रहे हो? दुश्मन को हराने के लिए उसकी खूबियों से ज्यादा उसकी कमियों का पता होना चाहिए। मैंने भी जय सिंह से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात का पता लगा लिया है और अब मुझे उसकी एक ऐसी कमी का पता चला है जो उसको पल भर में डुबो सकती है। क्या बात कर रहे हो शाकाल, फिर देर किस बात की? उस चीज के बारे में बताओ। पता चल जाएगा जब वो चीज सन सिटी पहुंचेगी तो बिजलियां कड़केंगी, भूचाल आ जाएगा, सब तबाह हो जाएगा। मैं जादू, मैं माया जाल, डर मुझसे, मैं उस शाकाल। जय सिंह चौहान, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। समझे रुद्रा? ये शहर में इतनी भागा दौड़ी क्यों मची हुई है? रुद्रा, तुम्हें कुछ पता है? नहीं दादाजी। अचानक से इतनी बिजलियां कैसे गिर सकती हैं? मौसम तो साफ है, फिर भी बिजली गिर रही है। ये तो किसी जादूगरी का ही असर लग रहा है। रुद्रा, तुम यहीं रहना, मैं देख कर आता हूं। कौन हो तुम? मेरी सन सिटी पर बिजली क्यों बरसा रहे हो? मुझे पता है ये नेचर का नहीं, किसी बैड क्रीचर का काम है। सामने आओ। कौन हो तुम? जय सिंह, मैं हूँ इलेक्ट्रो लेडी। ना तीर से, ना तलवार से, वार करती हूँ मैं बिजली की चमत्कार से। इलेक्ट्रो लेडी, तुम मेरी सन सिटी से अभी चली जाओ। मैं औरतों पर वार नहीं करता, नहीं तो तुम्हारे वार का एक मिनट में जवाब दे देता। जय सिंह, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम औरतों पर वार नहीं करते। तुम्हारी इसी अच्छाई का तो मैं फायदा उठाने आई हूँ। देखा जोगा, आज मैंने ऐसा दांव खेला है कि जय सिंह चौहान चारों खाने चित हो गया है। अब वो चाहकर भी अपनी सन सिटी को नहीं बचा पाएगा।
उसूल पसंद लोगों की यही कमी होती है। मैंने जय सिंह की उसी कमजोरी को पकड़ लिया है। जय सिंह चौहान, मैं तुम्हारी चाल समझ गई। तुम मुझ पर वार नहीं कर सकते तो मुझे कैद करना चाहते हो, पर इतना आसान नहीं। इलेक्ट्रो लेडी, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। रियली? सॉरी दादाजी, पर मैं यहाँ बैठकर आपको खतरे में नहीं देख सकता। दादाजी को चोट लगी है। रुद्र, वो हमारे पीछे आ रही है। सिबाइस का प्रोटेक्टो। तुम नहीं बच सकते जय सिंह चौहान, मेरी बिजली तुम्हारा महल भी नहीं छोड़ेगी। अरे कर भला तो हो भला, दादाजी को क्या हुआ? ये लीजिए, पानी पीजिए। रुद्रा, वो लेडी बहुत खतरनाक है, कोई भी पैलेस से बाहर नहीं जाएगा। पर दादाजी, हम कब तक पैलेस में बैठे रहेंगे? बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो गुस्से में पूरी सनसिटी को बर्बाद कर देगी। नहीं रुद्रा, बाहर जाने का ये सही समय नहीं है। उसकी बिजली में नॉर्मल बिजली से कई गुना ज्यादा चुभन है। मेरी तबीयत जरा संभल जाने दो, मैं कोई दूसरा रास्ता निकाल लूंगा। जय सिंह चौहान, कब तक ऐसे छिपे बैठे रहोगे? मैं फिर आऊंगी, भूल मत जाना। ना तीर से ना तलवार से वार करती हूँ मैं बिजली की चमकार से। दादाजी, लगता है वो चली गई। हो सकता है वो फिलहाल चली गई हो, पर खतरा अभी टला नहीं, इसलिए कोई बाहर मत जाना। कर भला तो हो भला, जब मैं यहाँ हूँ तो हूबहु मेरे जैसा दिखने वाला गार्डन में कौन है? जाकर देखना पड़ेगा। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं रंगीला। तुम कौन हो? मैं शंग्रीला। शंग्रीला? शंग्रीला कौन? मैं तुम्हारा जुड़वा भाई। तुम्हें याद नहीं, हम दोनों कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे? कब? कैसे? मुझे तो आज तक कभी किसी ने नहीं बताया, ना दादाजी ने, ना रुद्रा ने। भाई, भाई, आ जाओ, मेरे गले लग जाओ भाई। भाई! ना तीर से ना तलवार से वार करती हूँ मैं बिजली की चमकार से।
ओह नो, ये रंगीला उसके पास कैसे पहुंच गए? रुद्रा, मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम सब अंदर से मुझे देख सकते हो। देखना दिखाना ऐसे ही चलता रहेगा अगर तुमने पैलेस का गेट नहीं खोला तो। जल्दी गेट खोलो, नहीं तो मैं इस रंगीला को खत्म कर दूंगी। दादाजी, रुद्रा, मुझे बचाओ! अरे मेरी हेल्प करो! दादाजी, अब हम क्या करें? रंगीला को बचाना है तो गेट खोलना ही पड़ेगा। मैं जाता हूँ। नहीं वरुण, गेट मत खोलना। एक बार पैलेस का गेट खुल गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने सोच लिया है क्या करना है। मैं बाहर जाऊंगा। क्या कह रहे रुद्रा, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। दादाजी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इलेक्ट्रो लेडी, मेरी आवाज सुनो, मैं रुद्रा बोल रहा हूँ। मैं बाहर आने को तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम रंगीला को छोड़ दो और उन्हें फाउंटेन के पास बिठा दो। मंजूर? मंजूर। जय सिंह नहीं तो उसका पोता ही सही। अभी देखना रुद्रा कैसे मजा चखाएगा। अब बताओ तुम क्या चाहती हो? तो तुम हो रुद्रा, तुम्हारा बड़ा नाम सुना है। अब तुम मेरी बात मानो और पैलेस का गेट खोल दो। पैलेस का गेट तो किसी हाल में नहीं खुलेगा, चाहे तुम कितनी ही बिजली गिरा लो। पैलेस का गेट नहीं खुला तो तुम और रंगीला नहीं बचोगे। ये लो। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बिजली फेल नहीं हो सकती। नहीं, धोखा! ये तो रुद्रा नहीं, उसकी इमेज है। मैं सबको जला दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। जय सिंह ने रुद्रा को भी जादू की दुनिया के सारे दांव पेच सिखा दिए हैं, पर मुझे यकीन है कि अब की बार सन सिटी को ये सब नहीं बचा पाएंगे। रंगीला, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं आप सबके लिए कुछ खाने पीने को लेकर आता हूँ। पेट में कुछ जाएगा तो आइडिया दिमाग में आएगा। रंगीला, आपको बाहर जाने की क्या जरूरत थी? लाओ मैं ट्रे पकड़ता हूँ। लो अपनी ट्रे पकड़ो। रंगीला, आप मुझे दूर ही रहना। रंगीला, किसी को कुछ नहीं चाहिए, तुम अंदर जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। बड़ा मजा आ रहा है जय सिंह के प्यादों को एक एक करते पिटते हुए देखने में। मैं जादू, मैं माया जाल, डर मुझसे, मैं हूँ शाकाल। और कितनी देर जय सिंह अपने महल में छुप कर बैठा रहेगा? सन सिटी को इलेक्ट्रो लेडी से बचाने के लिए उसे बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। शाकाल, मेरा तो बड़ा मन हो रहा है उनके चेहरों से हवाइयां उड़ते देखने को। अरे सब्र करो, हम भी चलेंगे। एक बार इलेक्ट्रो लेडी अपना काम खत्म कर ले। दादाजी, अब बस बहुत हुआ। हम कब तक इस तरह चुप कर बैठे रहेंगे? मुझे बाहर जाकर इलेक्ट्रो लेडी को रोकना होगा। रुद्रा, जोश में होश मत खोना। पहला नियम कभी मत भूलना, फोकस एंड बिलीव। हम इलेक्ट्रो लेडी का सामना करेंगे, पर पूरी प्लानिंग के साथ। सुनो, आज मैं तुम्हें नया मंत्र सिखाता हूँ। रुद्रा, हम भी तुम्हारे साथ बाहर चलेंगे। रुद्रा, याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड का समय होगा। मैं भी साथ आऊंगा। उस इलेक्ट्रो लेडी ने मुझे बहुत झटके दिए हैं। मौका मिलते ही मैं उसे ऐसा जूस पिलाऊंगा कि उसकी सारी बिजली पानी पानी हो जाएगी। मैं आ गया हूँ,
कहाँ हो तुम इलेक्ट्रो लेडी? हिम्मत है तो सामने आओ। लू आ गई। बहुत बहादुर बच्चे हो तुम, मेरा सामना करोगे? इलेक्ट्रो लेडी, रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक मत करना। बाईस का जिबाईस का सकू। ना तीर से ना तलवार से, वार करती हूँ मैं बिजली की चमकार से। बच सको तो बचो। जैसे रुद्रा का जादू जमीन पर बिखर गया, बस अब थोड़ी ही देर में वैसे ही जय सिंह चौहान का घमंड भी चकनाचूर हो जाएगा। जय सिंह चौहान, मैं तुम्हें मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए देखना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया इलेक्ट्रो लेडी, बहुत बढ़िया। अभी बताती हूँ। जंतर मंतर काली कलंदर छू। सिखा दिया सबक, अब तो हम हिलजुल भी नहीं सकते। लगता है रुद्रा मंत्र पढ़ने वाला है। फोकस एंड बिलीव। जिबाइस का बूम, चिक चिक बूम। ना तीर से ना तलवार से, वार करती हूँ मैं बिजली की चमकार से। ना तीर से ना तलवार से, वार करती हूँ मैं बिजली की चमकार से। ना तीर से ना तलवार से, वार करती हूँ मैं बिजली की चमकार से। मेरी शक्तियाँ कहाँ गई? मुझे ये क्या हो रहा है? मैं गिर क्यों रही हूँ? अब तुम्हारी पावर खत्म हो चुकी है और अब कभी लौटेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी पूरी बिजली अपने अंदर समा ली है। अब तुम एक साधारण इंसान हो। क्या मेरी शक्तियाँ गायब हो गई हैं? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। नहीं, मैं हर बार जीती बाजी हार जाता हूँ। सब कुछ मेरे हाथ से रेत की तरह फिसल गया। मैडम, जूस पी लो, दिमाग शांत हो जाएगा। पानी, पानी! क्या क्या मिलाया था जूस में? कुछ खास नहीं, तुम्हारी बिजली की शक्तियाँ तो जानी ही थी, तो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल चिली जूस बना दिया। बहुत झटके दिए थे ना मुझे, अब तुम खाओ। पानी, पानी! हाँ,
शाबाश रुद्रा, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू. To watch more, download the all-new Vootkids app and start your 30-day free trial today.